प्रिय श्रोता, प्रिय मित्र गण, आप लोगों को मेरा शुभ आशीर्वाद। आपके जाने पहचाने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं आपको मंगल बुध ग्रह की युक्ति आपके भाग से कैसा खेलता है खेल, क्या किस प्रकार से लाभ हानि देता है, ये मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको। लग्न से लेके बारह भाव तक बतलाऊंगा। किसी के भी लग्न में, चाहे लग्न कोई भी हो, किसी के भी लग्न में अगर मंगल बुध की युक्ति है, ऐसे लोग बचपन से ही चरित्रवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ऐसे लोग की समाज में सम्मान मिलती है, इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है और जीवन इनका सफल होता है। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत कम उम्र से स्वावलंबी हो जाते हैं, इनका जीवन पूर्ण सफल रहता है, कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, कभी आर्थिक इनको परेशानी नहीं रहती। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग परिवार सेवक होते हैं, चरित्रवान होते हैं, भावुक होते हैं, उदार होते हैं और गरीब की सहायता करने वाले होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग समाज में कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, परंतु जिद्दी क्रोधी होते हैं। इनके कुंडल में लग्न से पांचवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग संगीत की विद्या सीखते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और इनके संतान भी पूर्ण होनहार होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में मंगल बुध ग्रह की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी कोई केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं और ईश्वरवादी होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, इनकी शादी में रुकावट आती है, शादी जल्द नहीं होती, होती भी है तो विलम्ब करता है तथा दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा नहीं होता है और लव मैरिज शादी नहीं हो पाती। जिसकी कुंडली में लग्न से आठवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग कम पढ़े लिखे होते हुए भी अच्छी बुद्धि रखते हैं, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी जगह होती है, अच्छी सम्मानित होते हैं और उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से नौवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तथा कम परिश्रम में अधिक धन कमाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार से भी इनको अक्षमातिक उच्च पद का निमंत्रण आता है, उच्च पद की प्राप्ति। जिसके कुंडली लग्न से ग्रहवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी की अपेक्षा व्यापार में अधिक धन कमाते हैं, ऐसे लोग जमीन से मकान से और गल्ले संबंधी व्यापार से अच्छी उन्नति करते हैं, अपना पहचान स्वयं बनाते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत होती है स्वयं की बनाई हुई है। जिसके कुंडली लग्न से बारहवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, इनके चौथेपन तनावपूर्ण व्यतीत होते हैं, इनका संतान से भी विचारों में मतभेद रहता है। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया,
इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप मेरे फोन पर संपर्क करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहता है तो मुझसे संपर्क करिए मेरे फोन पर, उसके लिए कुछ फीस देना होता है। अगर फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फोन नंबर 9425308। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।